हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था ओशन करंट्स, कि ओशन करंट्स क्या होती हैं। तो हमने उनके बारे में जाना कि वर्टिकल ओशन करंट्स क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल ओशन करंट्स क्या होती हैं, अपवेलिंग क्या होता है, डाउन वेलिंग क्या होता है, ओशन वाटर कैसे मूव करता है। फिर हमने जाना कि ओशन करंट्स को हम क्लासिफाई भी कर सकते हैं, है ना। वो हमने पढ़ा था कि डीप वाटर करंट्स क्या होती हैं, वार्म एंड कोल्ड करंट्स क्या होती हैं, सर्फिस करंट्स क्या होती हैं। फिर हमने जाना कि जो ओशन करंट्स हैं कौन कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन सी प्राइमरी फोर्सेज है, कौन सी सेकेंडरी फोर्सेज हैं। तो ये तीन टॉपिक्स यानी कि तीन छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं, तीन पार्ट्स मैंने ओशन करंट्स के अपलोड कर दिए। ये है इसका फोर्थ पार्ट जिसमें हमें पढ़ना है कि ओशनिक गायर क्या होते हैं। देखिए बहुत ही छोटी सी वीडियो है, पर तीन चार डायरेक्टली जो है इसमें वो जो डायरेक्ट फैक्चुअल पॉइंट्स है ना, तीन चार फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ से बनते हैं, तो वो मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। बाकी हम छोड़ तो नहीं सकते, तो हमें ओशनिक गायर पढ़ना पड़ेगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे कि अटलांटिक ओशन के कौन सी करंट्स हैं, इंडियन ओशन की कौन सी हैं, पैसिफिक ओशन की कौन सी हैं, ठीक है। तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लंबा हो गया क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कि बेस खराब हो जाता है। तो बस अब हमें पढ़ना है कि ओशनिक गायर क्या होता है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, तो जल्दी से उठाएं अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। सो ओशनिक गायर क्या होता है? एनी लार्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटिंग ओशन करंट्स। ओशन करंट्स समझते हैं आप, तो इतने टाइम से पढ़े रहे हैं। ओशन करंट क्या होता है? वाटर की मूवमेंट, जब एक अमाउंट ऑफ वाटर एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चल जाता है उसे हम ओशन करंट्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारा पानी समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पे चल जाएगा, उसे हमने ओशन करंट्स बोलना है, ठीक है। तो अब ये जो सर्कुलेट कर रहे हैं ना, इधर उधर घूम रही हैं जो ओशन करंट्स, इनका बहुत बड़ा जो सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं ओशनिक गायर। कितने ओशनिक गायर्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज इनके मूवमेंट है वो भी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले एक थोड़ी सी छोटी सी बात और जान लेते हैं, दैट हमने क्या पढ़ा कि ओशनिक गायर्स क्या होते हैं। एनी लार्ज सिस्टम ऑफ सर्कुलेटिंग ओशन करंट्स, राइट, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्व विद लार्ज विंड मूवमेंट्स, जो हवाओं के रुख के साथ बदलती हैं, है ना, प्लस या फिर कोरियोलिस फोर्स की वजह से बदलती हैं, जिनका जो ओशन करंट्स जो हैं वो बड़े बड़े फैक्टर्स जिनके जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को, है ना, उनके वजह से है जो ओशनिक गायर्स बनते हैं। तो उसका एक तो हो गया कि बहुत बड़ी बड़ी हवाओं के झोंके जब चलते हैं, है ना, तो वो तो बहुत कम रहता है ऐसा। दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? मान लीजिए ये हमारी अर्थ का एक्सिस है, जो हम पढ़ते हैं ना इमेजिनरी एक्सिस, इतना टिल्टेड है परपेंडिकुलर पे, इतना टिल्टेड है एक्सिस पे, है ना, तो वो जो है उसके ऊपर अर्थ हमारी इस तरह से रोटेट करती है, ठीक है। तो अर्थ की अब रोटेशनल स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी एक फोर्स क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ओशनिक गायर जो है क्या है वो आप समझ गए कि पैटर्न है एक पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ पर डायग्रामेटिकली पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा वर्ड मैप बनाया है तो आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ किस तरह से। दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, अफ्रीका का थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट इस साइड आ गया, ये है ऊपर यूरोप, देन एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। नाउ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के इस साइड को अटलांटिक ओशन है, इस साइड को पैसिफिक ओशन है, और यहाँ पे यहाँ जैसे इंडिया आता है इसके नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन ये सारा आता है बट आपने हल्का सा रखना है यहाँ, ठीक है। अब जो ओशनिक गायर्स हैं, अब पहला क्वेश्चन आपका बनता है ये फैक्चुअल पॉइंट कि ओशनिक गायर कौन से फैक्टर्स है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें आपका सबसे बड़ा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स, दूसरा है लार्ज विंड मूवमेंट्स, पहला फैक्चुअल पॉइंट ये हो गया। दूसरा फैक्चुअल पॉइंट है कि ओशनिक गायर्स टोटल कितने हैं, ओशंस में टोटल कितने हैं, पाँच हैं। पाँच कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर, नॉर्थ पैसिफिक गायर, साउथ पैसिफिक गायर एंड इंडियन ओशन गायर। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये वाला गायर है, साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ अटलांटिक गायर है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक गायर है, और साउथ पैसिफिक ओशन में साउथ पैसिफिक गायर है, इंडियन ओशन में इंडियन ओशन गायर है। टोटल हो गए पांच गायर्स, सेकंड पॉइंट हो गया जो फैक्चुअल बनता है। तीसरा आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इसको तो आप रट के पी लो अगर आपने ओशन करंट्स पढ़नी है, है ना। ये आपको लगना नहीं चाहिए कि मैं कुछ याद कर रहा हूँ या मैं कुछ याद कर रही हूँ, है ना, ये तो मतलब बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, तो सिंपल सी बात है। कोरियोलिस फोर्स मैंने बताई, ये एक्सिस है, इस पर अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से जो फोर्स जनरेट होती है दैट इज़ कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस में जो ओशनिक गायर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। आप बीच में इक्वेटर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेटर आपको पता है क्या होता है ना, तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को
दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर देता है, एक हो गया नॉर्दर्न, एक हो गया साउदर्न। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है बिकॉज मैंने ऐसे ही रफ साफ को बना दिया है, बाकी बहुत एक्यूरेटली बनाना है तो एक बार वर्ड मैप देखें, वर्ड मैप या एटलस पे देखें या सामने देखें, क्योंकि उससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको रफ से समझाने के लिए बनाया। नाउ यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोरियोलिस फोर्स के प्रेजेंस में क्या होता है ना, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी मूवमेंट होती है। क्लॉकवाइज समझते हैं, घड़ी की सुइयां जिस साइड को चलती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, उससे उल्टा। याद रखना है, जो ऊपर वाले है ना दो, नॉर्थ नॉर्थ, इनमें सीधा चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो नीचे वाले तीन हैं इनमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अब यहाँ पे इन्होंने एक एक्सेप्शन और बताई है। एक्सेप्शन क्या है, दैट ओनली एक्सेप्शन दैट इंडियन ओशन गायर विच चेंजेस सीजनली। जो इंडियन ओशन गायर है इसको आप अलग रखें, ऊपर वाले दो क्लॉकवाइज में, नीचे वाले दो एंटी क्लॉकवाइज में। ये तो आपको समझ आ गया नॉर्दर्न साउदर्न का। जो इंडियन ओशन गायर है ये सीजन के हिसाब से इसकी जो ये विंड मूवमेंट या फिर जो ओशन मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है, ओशन करंट्स का पैटर्न चेंज होता रहता है, तो इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई ऐसा पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, सीजन के हिसाब से चलती है। अब आगे आते हैं और एक और चीज़ पढ़ते हैं, करंट्स नियर टू पोलर रीजन। पोलर रीजन, पोल समझते हैं 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ, तो इस रीजन के आसपास जो भी करंट्स चलती हैं, ओशन करंट्स चलती हैं, उन्हें कहते हैं कोल्ड ओशन करंट्स या कोल्ड वाटर ओशन करंट्स। करंट्स नियर टू इक्वेटर, इक्वेटर का है बीच में, 0 डिग्री लैटिट्यूड, जहाँ पे सनलाइट क्या है मैक्सिमम होती है, 24 घंटे नहीं बट मैक्सिमम टाइम, साल के मैक्सिमम टाइम जो है सूर्य इक्वेटर पे ही होता है ना, तो वहाँ पे डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर पे, उन लोकेशंस पे, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी होती है, तो वहाँ पे वार्म वाटर करंट्स होती है। पोलर रीजन पे कभी सनलाइट पड़ती ही नहीं है, तो फिर वहाँ पे कोल्ड वाटर करंट्स होती हैं। ठीक है, तो एक ये फैक्चुअल पॉइंट, ये फैक्चुअल पॉइंट, टोटल कितने गायर्स हैं वो इंडियन ओशन की, जो ओशन करंट्स हैं वहाँ पर सीजनली चेंज होती है, ओशनिक गायर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या है, बस ये छोटा सा टॉपिक हमें पढ़ना था जो कि हमारा हो गया आज कंप्लीट। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि इसमें रटने वाला तो कुछ है ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है सारा। रटने वाला जो आएगा करंट्स का, वो भी मैं आपको इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी कि आपको उसमें रटना ही नहीं पड़ेगा। एक बार सुन के हल्के से भी आपने नोट्स बना लिए ना, डायग्रामेटिकली भी आपने नोट्स बना लिए, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So that's it, and see you soon.